चलिए ये एक पहलू हमारी रियासत का, हमारे यहाँ सब्जियाँ पनप रही हैं, उग रही हैं, उन सब्जियों को कहें पहुँचाना है, उसके लिए सरकार इंतजाम नहीं करिए, इल्ज़ाम लोगों का है। और इसी इल्ज़ाम के साथ साथ हमारे फ्रूट्स भी अब तैयार होने वाले हैं, अब की बार फ्रूट्स को क्या किया जाएगा, ये सवाल आज ही से किसान के फ्रूट ग्रोवर के दिमाग में हो चुका है, क्योंकि सरकार पासेज नहीं दे रही है, सरकार कहीं पहुंचाने के इंतजाम नहीं कर रही है, तो फ्रूट ग्रोवर जो है वो फ्रूट को उगाएगा, मेहनत करेगा, फिर किस काम के, क्या वो सड़ने के लिए उस पर इतनी मेहनत करेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल सरकार के गलियारों में एक और भी खड़ा होता है, सरकार इन दिनों काम कर रही है। कल हमने देखा कि सरकार ने ज़मीन के हकाइक के हवाले से जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट को लागू करने का अहकाम जारी किए, 15 साल की हद भी मुकर्रर की और 15 साल के साथ साथ 7 साल की बात भी की, और उस पर कश्मीर में कल से ही रद्दअमल आना शुरू हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी तीखे लफ्ज़ों में इस पर अपना रद्दअमल जारी किया है, पीडीपी ने भी तेज़ तरार हमलों की बात की है, आम लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमको भी सवालात खड़ा करने का मौका मिला, लेकिन हम मौजूद नहीं थे, लेकिन सवाल खड़ा हो सकता था। क्यों हो सकता था? जब एक सहाफ़ी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित कंसल और फारूक अहमद लोन जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल कर रहे थे, ये भी पूछा कि ठीक है 15 साल का डोमिसाइल का कानून आपने बनाया नौकरी के हवाले से, तो 15 साल कब से शुरू होंगे, तो वहां से जवाब मिला कि अभी आप पर्चे देखिए, खुद सरकार कल वहाँ पे तैयार नहीं थी, रोहित कंसल भी तैयार नहीं था, फारूक लोन जीएडी के वो भी तैयार नहीं थे, जवाब सेटिस्फाई नहीं कर सके। और हमें आज भी मालूम नहीं हो सका कि डोमिसाइल का 15 साल का जो टाइम पीरियड शुरू हो गया, ये कब से शुरू होगा, आज से 2020 होगा, 2019 होगा, 2016 होगा, फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार खुद क्लियर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देने वाले खुद भी क्लियर नहीं थे। लेकिन और भी मामला थे सरकार के गलियारों में, एक मामला है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 5-3-202 का SRO, और इसी SRO में मुलाजमीन आंगनवाड़ी मुलाजमीन को तनख्वाह आज तक नहीं दी गई है। इन हालात में आंगनवाड़ी का मुलाजिम घर घर पहुंचा है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, कोविड की आंगनवाड़ी की वर्कर, आंगनवाड़ी की हेल्पर पहुंची है, लेकिन तनख्वाह नहीं है। और अनंतनाग में तो आंगनवाड़ी के डिपार्टमेंट का खुदा ही हाफिज़ है, एक खातून ने हमें वहाँ से कॉल करके, आंगनवाड़ी वर्कर ने हमें कॉल करके बताया कि तनख्वाह नहीं है, अब उसका चूल्हा नहीं जल सकता है, क्योंकि उसको सरकार से उम्मीद थी, सरकार ने पिछली तनख्वाह भी मार ली है, ये कोविड के पीरियड की भी कहीं सरकार तनख्वाह ना मार ले, क्या बताएं उस खातून ने, हम आपको बताते हैं। वन दिए डबल आवे मुंबई सोन कत वात तीरस अफसर गए क्या थोड़ा बहुत ना सरपंच अंदर थमित ना तुम गमित सफर अनखा चौंकम लड़की छो मे सी बे पांच लड़की बिचारे यम तीस गरीब मंद मे हेल्पर अच्छा कर सट पत्म फरवरी मार्च तो बंद तो सोन अगन ताजी रोप किराये अगर ना वे ये मोजूर वजत करान खसन से ड्यूटी तक मिनट थव मगर पत् गफसर से गुन एहसास अगर ये वर्कर बिचार बो कर्ना तक बो थ बिचार बमार मं ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी तक।